बिग बॉस 14 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। 14वें सीजन में कई सारे सेलिब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट शामिल हो सकते थे, पर कोई ना कोई रीजंस की वजह से इन सेलेब्स ने दिखाया बिग बॉस 14 के मेकर्स को ठेंगा। तो व्यूवर्स, हम इस वीडियो के थ्रू आपको उन सेलेब्स की डिटेल्स बताते हैं जिन्होंने पहले तो बिग बॉस 14 का सदस्य बनने के लिए हाँ कहा था, पर लास्ट मोमेंट पर अपना मन बनाया और अपना नाम बैकआउट कर लिया इस शो से। तो आइए हम नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ नामों पर जिनके बैकआउट करने से व्यूवर्स के अरमानों पर पानी फिर गया। निया शर्मा, एशियाज सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस निया शर्मा पहले तो बिग बॉस 14 हाउस में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर लास्ट मोमेंट पर अब ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने अपना मन बदल दिया है और अब वो शायद से बिग बॉस 14 में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उनको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए बिग बॉस 14 के ऑफर को दिखाया ठेंगा। सुरभि ज्योति, नागिन 3 की नागिन सुरभि ज्योति को भी बिग बॉस 14 में शामिल होने का ऑफर था, पर सुरभि ने भी इस ऑफर को पुल डाउन किया, क्योंकि सुरभि अपनी फिल्म सोनम गुप्ता बेवफा है की फिल्मिंग और प्रोडक्शन के काम में बिजी होने से किया इस शो के ऑफर को पुल डाउन। शिवी नारंग, वेल, ना सिर्फ साल 2020 में बल्कि 2019 में शिवीन को बिग बॉस ऑफर किया गया था, पर अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि बेहद 2 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में बिजी होने के चलते शिवीन नारंग इस शो का हिस्सा नहीं बने। एली गोनी, टीवी के वन ऑफ द हैंडसम हंग्स एली गोनी को भी बिग बॉस ऑफर किया गया था, पर एक सोर्स ने स्पॉट बॉय को रिवील करते हुए कहा एली इसलिए ये शो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो फीस उनको ऑफर की है वो उसे सैटिस्फाइड नहीं है। वेल व्यूवर्स, हम आपको बता दें कि एली की फीस की रकम की डिटेल्स आउट नहीं हुई है। मानसी श्रीवास्तव, व्यूवर्स ऐसा सुनने में आया था कि मानसी श्रीवास्तव इस शो का हिस्सा बनेगी, पर जब उनको पता चला कि उनके एक्स फियांसे मोहित अग्रवाल भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, तब ये जानने के बाद मानसी ने अपना मन बना लिया और इस शो को रिजेक्ट कर दिया। सारा गुरपल, पंजाब की ऐश्वर्या राय और पंजाब की कटरीना कैफ, हिमांशी खुराना और शहनाज गिल की बिग बॉस 13 की बेशुमार पॉपुलैरिटी के बाद मेकर्स ने पंजाब की एक और ब्यूटी सारा गुरपल को किया सलमान खान होस्टेड इस शो के लिए अप्रोच, पर रिपोर्टेडली उन्होंने इस शो के ऑफर को 2 रीजंस की वजह से किया टर्न डाउन। वेल, सारा की पहली वजह ये रही कि वो अपने दूसरे वर्क के साथ कमिटेड है और दूसरी वजह शो के डिले होने की वजह से। अनु मलिक, बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट अबू मलिक के भाई और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक को भी इस शो के लिए किया था अप्रोच। मेकर्स के अप्रोच के बाद अनु मलिक बहुत एक्साइटेड हुए, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि डील आगे बढ़ी नहीं और उन्होंने इस शो को करने से मना कर दिया। आमिर अली, वेल व्यूवर्स, हम आपको बता दें कि टीवी एक्टर आमिर अली ने भी बिग बॉस की ऑफर रिजेक्ट किया। खबरों के मुताबिक आमिर अली को शो का हिस्सा बनने के लिए मेकर्स ने बड़ा अमाउंट ऑफर किया था, लेकिन आमिर ने शो का हिस्सा बनने से मना कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब आमिर को सलमान खान का शो ऑफर हुआ हो। इन दिनों आमिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए भी मेकर्स चाहते थे कि आमिर बिग बॉस 14 का हिस्सा बने। चाहत पांडे, टीवी सीरियल हमारी बहू सिल की लीड एक्ट्रेस को भी बिग बॉस 14 के लिए अप्रोच किया था, पर चाहत ने शो की ऑफर को किया था टर्न डाउन। चाहत ने टीओआई की बातचीत में कहा, हाँ मुझे ये शो ऑफर किया गया था, पर मैं अभी रियलिटी शो में काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी सीरियल्स की ऑफर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, मे बी फ्यूचर में ये शो करूँगी। तेजस्वी प्रकाश, खतरों के खिलाड़ी की कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश को भी बिग बॉस 14 के लिए कंसिडर किया था, पर ऐसा सुनने में आया है कि तेजस्वी ने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया और इस शो का हिस्सा बनते बनते रह गई। अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने भी
बीच में सुर्खियां बटोरी थी जब उनका नाम बिग बॉस 14 के वन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए माना गया, पर अध्याय ने ट्वीट के जरिए ये सबको बताया कि ये मेरा करियर गोल नहीं है और मैं इस शो का हिस्सा नहीं बनने वाला हूँ। शुभांगी यात्रे टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी को भी सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस 2020 का ऑफर आया, पर उन्होंने इस शो के एटमॉस्फेयर की वजह से और अपनी ऑनगोइंग सीरियल की वजह से किया इसे रिजेक्ट। चाहत खन्ना बड़े अच्छे लगते हैं फेम एक्टर चाहत खन्ना को भी ये शो ऑफर किया गया था, पर एक्ट्रेस का मानना है कि ये शो उनके लिए नहीं बना है, इसलिए उन्होंने किया ये शो रिजेक्ट। कुलदीप सिंह विघ्नहर्ता गणेश फेम एक्टर कुलदीप सिंह ने ये कहते हुए बिग बॉस 14 को किया रिजेक्ट। कुलदीप ने कहा, मैं इस वक्त ये शो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये शो शायद मेरे करियर को रिस्क जोन में डाल दे। मैं अपने आप को विक्टिम नहीं दिखा सकता हूँ, मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, इसलिए नो बिग बॉस। राजीव सेन हाल ही में राजीव सेन अपनी बीवी चारू असोपा के साथ अपने ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इन्हीं न्यूज की वजह से ऐसा अज्यूम किया गया कि शायद वो इस साल के बिग बॉस में शामिल होंगे, पर राजीव ने रिसेंटली खुद रिवील किया कि ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बिग बॉस 14। राजीव ने ये बात अपने इंस्टा स्टोरी के थ्रू सबको इस खबर की जानकारी दी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताइए हमें कॉमेंट बॉक्स में, और बाकी सारी न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ।